सर ये बबलू है, पानी पूरी बहुत अच्छी बनाता है। थैंक यू सर। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। ये जो एनआरसी है ना, ये तो मुस्लिमों का है, हमारा थोड़ी है। हम क्यों ये सब में पढ़ना, वो लोग संभाल लेंगे ना उनके हिसाब से। अपने को काय को टेंशन, मतलब आप लोगों को। सर बुरा मत मानो, आप भी हिंदू मैं भी हिंदू, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। बबलू सीए का मतलब मालूम तुमको? हाँ, जो बाहरी देश के हमारे हिंदू भाई बहन है ना, उनको अपने देश की नागरिकता मिलेगी। गुड। एनआरसी के बारे में मालूम होगा? एनआरसी जो हमारे देश में घुसपैठिया है ना आतंकवादी, उनको जेल में डाला जाएगा। और एनपीआर? अरे वही तो नहीं पता सर, दो दिन से अपने काम में इतना बिजी था कि मतलब न्यूज ही नहीं देख पाया। एक बात बता, ये देश किसका है? हमारा है सर। ये बिरला मंदिर तिरुपति किसका है? हमारा है सर। चार मीनार किसका है? गंगा नदी और ताजमहल किसका है? अंबेडकर जी, गांधी जी, अब्दुल कलाम जी, ये सब किसके है? हमारे देश के है सर। ये देश किसका है? बात यहाँ सिर्फ मुस्लिम पर नहीं आएगी, बल्कि हम सब पे आएंगे। एनपीआर इसीलिए निकाला गया ताकि एनआरसी करना आसान हो। एनपीआर पहले तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा, फिर तुम्हारे माता पिता का नाम और उनका जन्म स्थान, आपका पता, आपकी राष्ट्रता साबित करनी पड़ेगी। और भी अन्य डिटेल्स पूछे जाएंगे उसके कुछ महीने बाद एनआरसी होगा। अगर तुम एनआरसी में सस्पेक्ट पाए गए तो फिर ये हमें ऑफिसर्स के चक्कर लगाएंगे, तुम्हारी नागरिकता खतरे में आ जाएगी। मतलब तुम देश के होकर, देश के लोगों को लाकर इन्हें ही प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम देश के नागरिक हो, और उसमें भी कोई जान पहचान वाले पड़ोसी जिसे आपकी बनती नहीं या दुश्मनी होगी। अगर उन्होंने आपकी शिकायत कर दी तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेंगी और आप सस्पेक्ट पाए जाओगे। और अगर एनआरसी में फेल हो गए तो मुस्लिम्स को तो डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। एससी एसटी दलित को देश में ही रखेंगे, मगर उनसे सारी सुविधाएं छीन ली जाएगी। ना ही उन्हें वोट करने का अधिकार होगा और ना ही उनको सिटीजनशिप मिलेगी। ना ढंग का जॉब, ना गवर्नमेंट स्कूल, ना हॉस्पिटल, बस ऐसे ही जी लो 2024 तक। मुस्लिम्स गायब, दलित गायब, एससी एसटी गायब, बचे अपर क्लास के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बस वही रहेंगे, ये उनका प्लान है। सर इसका मतलब हमारा लड़का भी एससी है, तो क्या ये भी? मुस्लिम खतरे में नहीं बल्कि देश खतरे में, समझा? ठीक था मगर अच्छा था। कितना हुआ? 30 रुपए सर। इसका मतलब हमारा देश खतरे में है सर। मैं भी आ रहा, मैं भी आ रहा, मैं भी आ रहा। दोस्तों आज मैं आप लोग को एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक खेत जल जाता है और अगल बगल के लोग उसे बुझाने लगते हैं। वहां एक छोटी सी चिड़िया भी अपने चोंच से पानी लेके उस आग में डालने लगती है। एक कौवा आकर उस पे हंसकर पूछता है, इतनी बड़ी आग और इतने सारे लोग बुझा रहे हैं, तेरे इतने बूंद से क्या होगा? चिड़िया बोलती है, मुझे पता है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर जबी भी
इस हादसे का जिक्र होगा तब इन लोगों में मेरा भी नाम लिया जाएगा। इसी तरह ये देश हमारा है, हम सबको मिलकर ये आग बुझानी होगी।